तो थोड़ा सा पंगा हो गया था मेरा, इतना सारा जो वीडियो था तो पुलिस वाले भैया ने सारा वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अंकल 3 किलोमीटर तक का लिफ्ट दिए हैं, तो बिहार का मेरा पहला ही चेक इन था जो कि सक्सेसफुल हुआ। सो कैसे आप लोग, तो स्वागत करूँ आप सबका एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सब थंबनेल और टाइटल के वजह से जान ही गए हो कि आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो अभी मैं हूँ बंडेली स्टेशन पे। और इस स्टेशन को ओपन किया था इन द ईयर 1854 में, और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BDC बंडेली जंक्शन। और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म 7 है और टिकट कंट्रोल 14 है। सो ये थी स्टेशन की जानकारी। और बात कर ट्रेन की बारी, तो आधे घंटे पहले आ चुका हूँ मैं क्योंकि बारिश आ रही थी, अभी बारिश नहीं आ रही है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं आधा घंटा पहले चलते हैं स्टेशन पे, वहीं पर जाकर बैठते हैं, तो फिर बारिश आएगी तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। सो अभी आप सबको मैं ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ। सो ट्रेन नंबर 15047 और ट्रेन का नाम है पूर्वांचल और ट्रेन का नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस बाय सिवान। तो ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन सिवानों को जाती है गोरखपुर, और हफ्ते में 3 दिन छपरा से कट जाती है गोरखपुर चल जाती है। हाँ, तो सिवान की लगभग दूरी है 746 किलोमीटर और विथ एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन फुल डिस्टेंस कवर करती है 12 घंटे में। तो ये थी ट्रेन की जानकारी। Wave 7 है, सियालदा का Wave 7, सियालदा का Wave 7 लोकोमोटिव है। अरे चाय राम, बैठ जाइए इधर, बैठ जाइए उनका तबियत दूसरी टाइम मेरा इधर इधर आम चाय भैया वही मैं हाँ भैया था इधर पे। तो अपनी ट्रेन आ चुकी है और सियालदा का लोकोमोटिव Wave 7 के साथ लगी हुई है, और सीट तो मिल गया बट एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमारे सीट के सामने जो थे आदमी, उनका थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो बोले कि बाबू मैं आपका वाला सीट ले रहा हूँ और आप मेरे सीट पर बैठ जाओ। सो विंडो सीट था यार, बहुत मुश्किल से मिला, और वीडियो पता नहीं रास्ते में कैसे बने कैसे नहीं बनेगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ हो जाए। और बाकी ये पीछे अपनी ट्रेन पूर्वांचल एक्सप्रेस बाय सिवान। और एक बात है, वेयर इज़ माई ट्रेन पे देखा था D5 सबसे लास्ट में पड़ेगा, लेकिन D5 पड़ा सबसे सामने, तो उतना दूर से फिर भाग के आना पड़ा इधर। और भाई कभी भी वेयर इज़ माई ट्रेन का चक्कर में मत रहना, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जैसा पहले का था वैसे ही इनको रखना चाहिए था। सारा बोगी इधर उधर हुआ है, सारे लोग भाग रहे थे इधर उधर। सो अपनी ट्रेन पूरी तरह से एकदम टाइम पर ही निकली है, और ना ही ज़्यादा लेट हुआ है और ना ज़्यादा देर तक रुके हैं, ट्रेन टाइम पे है। पता नहीं, देखते हैं बर्दवान कब तक पहुँचे। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉपिस है इसका बर्दवान, तो डायरेक्टली मैं आप सबको बर्दवान में ही मिलूँगा। सो थोड़ा सा बंडेली स्टेशन का लाइव सीन देख लो। बाय बाय बंडेल। Close till I get up,
बर्दवान की दूरी है 61 किलोमीटर और मैं आप सबको डायरेक्टली बर्दवान में मिलता हूँ। बर्दवान स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है BD BWN बर्दवान और इस स्टेशन को इन द ईयर 1855 ओपन किया गया था और रेक्टिफाई किया गया था 1958 में रेक्टिफाई किया गया था। तो इस ट्रेन का बर्दवान स्टेशन पे 2 मिनट का होल्ट है और उसके बाद से फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन जो कि दुर्गापुर है। बर्दवान स्टेशन दुर्गापुर की कुल डिस्टेंस है 61 किलोमीटर। तो चलिए चलते अपने ट्रेन में क्योंकि 2 मिनट का होल्ट था यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस का और ये अपनी ट्रेन लगी पड़ी है दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो फिर चलते हैं ट्रेन के अंदर। माफ़ करना मोनू भाई की तरह मैं मतलब ब्लॉग कर नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और आस्ते आस्ते मतलब कोशिश करूँगा कि जल्दी से मतलब सब चीज़ हो जाए, जल्दी से मतलब सीख पाऊँ क्योंकि ये ट्रेन का जो ब्लॉग है मतलब बहुत रिसर्च करना पड़ता है, एक एक प्लेटफॉर्म का रिसर्च करना पड़ता है, कितना मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन नंबर क्या है, क्या नहीं है, कहाँ का लोकोमोटिव है, सब चीज़ मतलब पूरा सर्च करना पड़ता है, पूरा काफ़ी ज़्यादा छानबीन करना पड़ता है। तो उनका तरह तो बोल नहीं पाऊँगा लेकिन कोशिश करूँगा उनका तरह मैं बोल पाऊँ और चलते हैं डायरेक्टली मिलते हैं आपको दुर्गापुर में। एक प्रॉब्लम हो गया मेरे सीट का लेकर, वो मैं ट्रेन में आपको बताऊँगा। तो बैक कैमरे से देखो स्टेशन। तो ये है दुर्गापुर स्टेशन और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है DRG और इस स्टेशन को ओपन किया था 1855 में और रेक्टिफाई किया था 1965 में। तो ये दुर्गापुर स्टेशन और ट्रेन 5 मिनट लेट है और ये हमारी ट्रेन लगी पड़ी है। तो चलिए चलते हैं फिर और नेक्स्ट स्टॉपिस मिलते हैं आप सबको आसनसोल में। और यहाँ पर दुर्गापुर में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है इस स्टेशन पर। दुर्गापुर से आसनसोल का डिस्टेंस है 41 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं आसनसोल स्टेशन पर, फिर आपसे मिलते हैं।
अभी हम लोग हैं आसनसोल स्टेशन पे। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है SNL और यहाँ पर इस स्टेशन को ओपन किया था इन द ईयर 1864 में और इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाई किया था 1957 में। तो फिर चलते मिलते हैं फिर से एक नए स्टेशन पे और यहाँ हमारी ट्रेन लगी पड़ी है और 5 मिनट ट्रेन डिले है। तो फिर आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपिस पे। चलिए और यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। तो चलिए मिलते हैं फिर से, चलिए नेक्स्ट स्टॉपिस पे आप सबसे फिर से मिलता हूँ। अच्छा ये जो आप जो ट्रेन देख रहे हो ये ट्रेन हावड़ा रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस है और वेव 7 लोकोमोटिव हावड़ा का साथ चल रही है। सो ये है चित्ररंजन स्टेशन और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है CRG। सो ये है चित्ररंजन स्टेशन और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है CRG और इस स्टेशन को इन द ईयर 1850 में ओपन किया गया था। यहाँ टोटल प्लेटफॉर्म 3 है और इसके बाद फिर हम मिलता हूँ आप सबको मधुपुर में, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं था, लाइट अवेलेबल नहीं था और पता नहीं लगाना चाहिए था लास्ट तक लाइटिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो चलिए मिलते हैं आप सबको मधुपुर स्टेशन पर। ये है मधुपुर स्टेशन और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1996 में और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है MDP मधुपुर जंक्शन। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड है जबकि ऑलरेडी ट्रेन 35 मिनट लेट है। अब से मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पर बात करूँगा जिस जगह पर मतलब लाइट का इंतजाम हो, मतलब प्रॉपर तरीके से मेरा चेहरा आप सबको नज़र आए तो वहीं पर मैं आपसे बात करूँगा, ना तो फिर 2-3 स्टेशन को स्किप कर दूँगा। इसके बाद फिर मैं आप सबको छपरा मिलूँगा डायरेक्ट। अभी मैं हूँ बैरोनी जंक्शन पर और यह है बैरोनी जंक्शन। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BUJ और इस स्टेशन को 1 मई 1983 को ओपन किया गया था और इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2001 में। तो यह है बैरोनी स्टेशन और रात हो गया है, पता नहीं आप सबको मेरा थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में और समस्तीपुर स्टेशन पर फिर आप सबको नेक्स्ट मिलते हैं। तो बैरोनी स्टेशन से समस्तीपुर की कुल दूरी है 51 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं समस्तीपुर स्टेशन पर फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ। सियालदा बलिया ट्रेन नंबर 30300 सियालदा बलिया एक्सप्रेस बैरोनी स्टेशन पर रुकी हुई है। इसका यहाँ पर हॉल्ट है 30 मिनट का और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये है मुजफ्फरपुर स्टेशन और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है MFP और इस स्टेशन को ओपन किया था इन द ईयर 1886 में और इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2010 में। और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म 7 है। तो ये मुजफ्फरपुर और चलिए मिलते हैं आप सबको। सो चलिए मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट स्टॉपिस पे जो है छपरा जंक्शन। चलिए आप सबको छपरा मिलते हैं। ओके अभी तक आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा D5 अब होगी और मैं D6 में उठ गया था और अपना बैग को खोज रहा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कन्फ्यूज हो गया था कि कौन सा बुगी था मेरा। तो फिर लास्ट में टिकट चेक किया तो फिर लास्ट में उस बुगी में गया। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप सबको मतलब वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा।
अगर अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो, अगर यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल पर अगर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही डिटेल में कॉल पर क्लिक करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल पाए। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है छपरा जंक्शन, तो फिर मैं आप सबको डायरेक्टली छपरे में मिलता हूँ, तो इधर पर ही ख़त्म करते हैं। छपरपुर में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन पूरी तरह से अपने टाइम पे ही है, एकदम ना ज़्यादा लेट है ना कुछ, एकदम टाइम पे ही है, तो सफ़र करने में अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रेन एकदम टाइम पे है। थोड़ा सा पंगा हो गया था मेरा, इतना सारा जो वीडियो था तो पुलिस वाले भैया ने सारा वीडियो को डिलीट कर दिया। मैं बोला कि यार मैं बना सकता हूँ, इसके लिए परमिशन नहीं है मेरे पास, ना ही कोई कैमरा है DSLR है और ना ही मेरे पास कोई GoPro है। एक्चुअल में GoPro से बना भी सकते हैं, अपने वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और फ़ोन तो एकदम ईजी है, हर जगह पर है फ़ोन से, आप वीडियो वगैरह ले सकते हैं, तस्वीरों वगैरह ले सकते हैं, लेकिन भैया ने सारा चीज़ डिलीट करा दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, फ़ोन है अपना, डिलीट करने वाले हम थे तो डिलीट भी किया तो उसको निकाल ही देंगे, लेकिन ये सब चीज़ को ऐसा नहीं कहना चाहते क्योंकि मैं भुवनेश्वर भी किया हूँ और शांति निकेतन भी किया, अपने वीडियो को देखा देख भी किए हैं, मैं उधर पर भी किया हूँ, लेकिन आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ये बिहार है, साथ हो सकता है, साथ आगे भी हो सकता है, इसके लिए मैं पास मंगा लिया हूँ एक दोस्त को फ़ोन करके, उसके पास पास है और रेलवे ब्लॉगिंग करता है, तो मैं उससे पास मंगा लिया हूँ, ऐसा मैं बोला हूँ कि भैया मेरे पास पास है आप देख लो, तो उन लोग तो शायद उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पास वगैरह नहीं देखे हैं, और उन लोगों को खुद नहीं पता था उन लोगों के शहर को कब ओपन किया गया था, तो हम बताया तो बोले ये तो एक बार में रहता है, एक बार में हम देख भी सकते हैं, बताओ ऐसा कौन सा बात है यार। यार अच्छा यार आप लोग के शहर के बारे में लोगों को बता रहे हो, अगर कोई इंसान आया तो पूरा सब चीज़ जाने समझे, मुजफ्फरपुर शहर में ये सब हुआ है, हद है यार। ये है हाजीपुर स्टेशन और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है HJP हाजीपुर जंक्शन। इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1862 में और रेक्टिफाई किया गया था 2016 में, और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म है 5। सो ये थी हाजीपुर स्टेशन की जानकारी, एंड इसके बाद छपरा स्टेशन है, सो मैं आपको छपरा स्टेशन में डायरेक्टली मिल जाऊँ, तो बाहर का नज़ारा मतलब कुछ वो बता नहीं सकूँ क्योंकि लाइटिंग वगैरह सही से नहीं है, मेरा चेहरा सही से आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ पर लाइटिंग है थोड़ा सा, तो मैं ट्रेन में ही बना रहा हूँ, तो चलिए मैं सबको कह रही मिलता हूँ आप सबको छपरा स्टेशन पर। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है, तो 5 मिनट बाद ये ट्रेन यहाँ से निकल पड़ेगी, उसके बाद इसका अगला स्टॉपेज है छपरा जंक्शन, और साथ में सोनपुर जंक्शन पड़ता है, तो पता नहीं सोनपुर में ट्रेन रुकेगी कि नहीं रुकेगी, पता नहीं अगर रुकती है तो उसके बारे में मैं बापू को बता दूंगा। तो हाजीपुर से भी ट्रेन निकल चली है और एकदम पूरा टाइम पे है ट्रेन, ज़्यादा से भी लेट नहीं हुआ है, ट्रेन का टाइमिंग सही है। और अभी नेक्स्ट स्टॉपेज है अपना छपरा, उससे बीच में सोनपुर पड़ता है, तो पता नहीं सोनपुर में रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकता है तो मैं आप सबको उसका बारे में डिटेल दे दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं आप अकेले छपरा स्टेशन पर। मेरे को एक भैया अगर बोले हैं कि आप जो वीडियो बनाए थे मुजफ्फरपुर में, जो बताया नहीं मैं TT आकर मतलब वीडियो वगैरह साहब से डिलीट कर दिया था, TT साहब आके सारा वीडियो डिलीट कर दिए थे, तो एक्चुअल में कांड हुआ था ये कि वो रिश्वत ले रहे थे किसी लेडीज से, तो मैं वहीं पर वीडियो बना रहा था, मैं देखा नहीं किससे ले रहे किससे नहीं ले रहे, मैं तो अपना वीडियो बना रहा था, तो सोचे कि मेरा वीडियो बनाया है तो इसीलिए वो आगे मतलब वीडियो वगैरह सारे क्लिक किए हैं। और एक बंदा था वो भी बना रहा था, तो उसका भी वीडियो उसको वो तो बनाया तो उसका तो डिलीट हो गया, बट मैं वैसा कुछ बनाया नहीं था, तो मेरे से आकर वो लोग सोचे कि मैं भी बनाया हूँ, इसीलिए वो आकर मेरे को परेशान किए थे। भैया ऐसा तो कुछ बोले, भैया है वो बताया मेरे को ऐसा कुछ हुआ है, जस्ट अभी बताया हाजीपुर में। अजब लोचा है यार, क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, पहले पता रहता अगर रिश्वत दे रहे तो मैं वीडियो उन्हीं का बना लेता, मिस्टेक हो गया यार, ये मतलब तो फंस गया, तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली छपरा में मिलते हैं फिर।
देखते हैं कब मिल सकते। सो फाइनली यार सुभाष चंद्र उतर गए हैं और भैया बहुत हेल्प किए, थैंक यू भैया। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी आपसे। मुलाकात फिर यूट्यूब पर। हाँ वो तो हो गई अगर। सो गाइस यार फाइनली हम लोग सुभाष चंद्र आ गए हैं और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है CB और यहाँ से डेली 15 लाख पैसेंजर ट्रेवल करते हैं और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म है 5। तो अभी हमारी ट्रेन लगी हुई है, लोकल चल रही है तो बस लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। यहाँ से जाना है हमको दुरौंदा, जो कि यहाँ से अराउंड कितना होगा भाई साहब, यही 40-45 तक होगा ही होगा। तो चलिए चलते हैं फिर लोकल में सफ़र करते हैं। पहला एक्सपीरियंस होगा बिहार का लोकल ट्रेन का, हाँ तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा यहाँ। अच्छा हाँ और एक बात, बीच में छपरा स्टेशन स्किप हो गया, सॉरी थोड़ी सी आँख लग गई थी, रात भर सोए नहीं थे क्योंकि और बाकी सारा स्टेशन को कवर कर रहे थे। सो फाइनली मिस हो गया, एक मिनट थोड़ा सही से नहीं आ रहा। सो फाइनली मिस हो गया, तो चलिए चलते हैं। लोकल ट्रेन हमारी लगी हुई है 5:50 पर, उसका टाइमिंग है निकलने का। तो चलिए आप सब बैठ के लोकल स्टेशन पर मिलते हैं। सो फाइनली ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ये अपनी कुछ लोकल ट्रेन है अंकल। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है लोकल ट्रेन के साथ, वो भी बिहार में, तो देखते हैं क्या क्या नहीं। इससे पहले पैसेंजर ट्रेन से किए हैं लेकिन लोकल ट्रेन का पहला एक्सपीरियंस है, शायद यही करीब 2-3 4 साल में ही ओपन किया हो गया होगा लोकल ट्रेन। जब आज से 4-5 साल पहले आए थे तो उस टाइम लोकल ट्रेन नहीं थी, उसके बदले पैसेंजर ट्रेन चलती थी, तो मुझे अभी भी वो दिन याद है। बाकी यार देखते हैं। अच्छा यहाँ से 2 शोपीस आगे जाना है सिवान से, तो फिर चलते हैं। अरे रात को थोड़ा सा नींद लग गया था इसीलिए इसी बीच में छपरा स्टेशन स्किप हो गया मेरे से, तो फिर छपरा स्टेशन का ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दे रहे हो आप सबको। सो छपरा स्टेशन स्किप हुआ था हमसे, तो उसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ मैं आप सबको। सो छपरा स्टेशन का स्टेशन कोड है CRP छपरा स्टेशन का स्टेशन कोड है। स्टेशन को इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2021 में और यहाँ से डेली और छपरा स्टेशन से डेली 15 लाख पैसेंजर ट्रेवल करते हैं ट्रेन से। तो ये थी छपरा की जानकारी जो हमसे स्किप हो गई थी। तो अभी चाय मंगाए हैं तो चाय पीते हैं एंड उसके बाद से फिर अपने नेक्स्ट स्टॉपिस दुरौंदा करते हैं। ये अपनी चाय पीते हैं, चाय ऐसे ठीक ही है सुबह सुबह टाइम में, ऐसे अब उम्मीद भी किया जा सकती क्या किया जा सकता है, थोड़ी क्या किया जा सकता है इससे अच्छा भी नहीं, थोड़ी सी भूल हो जा रही है। सो हमारी जो ट्रेन थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वो एकदम पूरा टाइम पे ही थी, अराउंड नहीं कोई ज़्यादा लेट हुआ नहीं कुछ हुआ, पूरी टाइम पे थी। और जो टाइम था उसको छपरा में सॉरी सिवान में करने लगा तो अपने टाइम पे ही इन थी उसने, तो वो 3 प्लेटफॉर्म पर रुका थी और वहाँ से आपको एक नया प्लेटफॉर्म से आपको लोकल ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी जो कि छपरा जाती है। अगर आप सबको स्किप उस्किप हो गया होगा छपरा एयरपोर्ट पर ना भूल गए होंगे तो आप आसानी से बोर्ड कर सकते हैं उस ट्रेन में। इन्फॉर्मेशन क्या दूँ। ट्रेन हमारी 10 मिनट लेट है और जस्ट अभी निकली है,
और टाइमिंग था क्या बोलते हैं 5:50 में छोड़ने का और 6 बजे ट्रेन छोड़ी है। तो ये है कुछ लोकल ट्रेन बिहार की, ये सारे पैसेंजर्स। तो आप सबको डायरेक्ट मिलता हूँ दुरंधर स्टेशन पर, सो 1, तब तक आप बाहर का नजारा लीजिए। सो 1, 2, 3 दुरंधर स्टेशन पर उतर चुका हूँ और यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता था जाने के लिए, बट कुछ टाइम पहले अब शायद बाढ़ उड़ आई हुई है। सो पूरे खेतों में मतलब पानी वगैरह लगा हुआ है, तो मैं भी आप सबको रोड पर जाऊँगा तो फिर मैं आप सबको दिखाऊँगा। तो पूरी खेतों में पानी वानी लगी हुई है, सो एक ही रास्ता है मेन रोड धर के जाने का, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। अगर बात करें तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा तो गूगल बाबा दिखा रहा है कि वॉकिंग डिस्टेंस 1 आवर का है, यानी 1 घंटा भाई चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो क्या ही चेकिंग करते हैं और क्या मेन रोड से देखते हैं लिफ्ट वगैरह मिलता है तो चलते हैं, और ना तो पैदल ही चलते हैं। सो बारे यार, अगर आप सबको अगर वीडियो पसंद आया, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दो, और हाँ कैसे अगर आप चैनल पर अगर नए हो सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आने लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल पाए। और एक बात कमेंट करके बताना यार वीडियो आप सबको कैसा लगा। सो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।